हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम पवन नेगी है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की, जिसको बात बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। चाहे उसके सामने कोई भी हो, उसको हर बार गुस्सा आता था। उसके पास कोई भी सामान हो, उसको फेंक करके तोड़ देती थी। उसके गुस्सा करने से उसके पेरेंट्स, मतलब कि मम्मी पापा, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। उसको कितना समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो मान ही नहीं रही थी। हर बार उसको गुस्सा आ जाता, बहुत ही परेशान होते थे। उन्होंने सोचा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसकी मैम ही कर सकती थी, ट्यूशन टीचर मैम, क्योंकि वही एक थी जिसकी वो बात मानती थी। तो उसकी मम्मी ने उसके ट्यूशन टीचर से बात की और उसको सारी बात बताई कि उसको इतना गुस्सा आता था, आप कुछ कर दो। उसकी मैम ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ही दिनों में ये सारा गुस्सा अपने आप कम होता जाएगा और ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। पर उसकी मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं, एक बार आजमा के देख लेते हैं। एक दिन वो अपने ट्यूशन जा रही होती है और उसकी ट्यूशन मैम ने बोला, उसके पास जाकर के बोला, चलो आज एक काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, आज गेम खेलते हैं। तो वो गेम खेलने के मामले में बहुत ही खुश हो गई। तो उसकी मैम उसको घर ले जाती है और घर ले जाने के बाद घर के पीछे दीवार पर ले जाती है और बोलती है, मेरे को जब भी गुस्सा आता था मैं इतनी मेहनत करती हूँ अंदर जाकर के, फिर पीछे आती हूँ, फिर कील लगाती हूँ, कील ठोकती हूँ, इससे अच्छा मैं अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर देती हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो उसने वैसे ही किया, उसने धीरे धीरे करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया। और एक दिन ऐसा आया जिससे कि जब उस दीवार पर उसने कील ठोक दी, बंद कर दी, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। और फिर वो अपनी मैम के पास आती है और मैम के पास खुश होकर के बोलती है, मैम देखो आज मैंने एक भी किल दीवार पे नहीं ठोकी। उसकी मैम उसको बोलती है शाबाश। और उसकी मैम बोलती है, अब उसकी मैम ने बोला कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तुमको क्या करना है, जिस भी दिन तुमको गुस्सा ना आए उसके एंड में, मतलब लास्ट में एक किल निकालनी है। तो उस लड़की ने वैसे किया, जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आता था वो लास्ट में एंड में किक करके निकाल देती थी। कील बहुत ही सारी थी दीवार पे, इसलिए एक महीने से ज्यादा टाइम लग गया। और एक दिन फाइनली ऐसा आया कि वो सारी दीवार पे जितने भी कीले उसे ठोकी थी वो सारी की सारी उसने निकाल दी। तो वो लड़की इतना खुश हुई, मैम को बोला देखो मैम इस दीवार पे एक भी कील नहीं। तो उसकी मैम उस लड़की के साथ उस दीवार के वहां पर चलती है और इसको शाबाश बोलती है कि वेरी गुड, तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया। और उसको एक मन पसंद उसकी चॉकलेट देती है। उसके बाद कि मैम बोलती है कि अब तुम इस दीवार पर एक बार देखो, जो तुमने कील निकाली है तुमको कुछ दिख रहा है इस दीवार पे? और वो सोचती है नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसकी मैम बोलती है एक बार गौर करके देखो, तुमको कुछ दिख रहा हो? उसने बोला मैम हाँ, जो मैंने कील लगाई थी उसके कुछ निशान, उसके कुछ गड्ढे जो हो रखे वो दिखा दे रहे। तो उसकी मैम ने बोला वेरी गुड। उसकी मैम ने बोला जैसे तुमने दीवार पे कील ठोकी और कील निकालने के बाद जो उसके निशान थे वो उसके वैसे की वैसे हो गए हैं, तुम कुछ भी करके इसको ठीक नहीं कर सकती है। वैसे करके जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ही तकलीफ होती है, उनके दिल पर चोट लगती है, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जो गुस्सा करके के दिल को दुख पहुंचाया वो तुम कभी भी तुम उसको सही नहीं कर पाओगे, जैसे दीवार का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ। तो बच्ची को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ, वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास आती है और मम्मी को बोलती है, मम्मी मैं समझ गई हूँ, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, मेरे को अपने गुस्सा करने पर पछतावा हो गया है, इसलिए वो आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी।